इसे ही गड्ढा है, इधर गड्ढा है, तो इधर भी अंदर गड्ढा है, कैसे? दोनों साइड गड्ढा है। और आ रही गाड़ी, अरे बता ही ना। इसीलिए जितेंद्र उस टाइम नहीं बैठे थे कि कहीं इसमें पलट गई तो। ये चढ़ गई भाई, चढ़ गई चढ़ गई भीचे, 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 चढ़ भीचे। गई, आ गई आ गई आ गई। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने। तो हर हर महादेव गाइस, हमारे रोहित ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ भूसा लेने, जो गेहूं झड़ता है ना उसका एक भूसा बन जाता है ऐसे, तो वो लेने जा रहा हूँ। गाइस हुआ था मुझे पैदल आने का बिल्कुल ही मन नहीं थी, पैदल आने का एक समस्या है। मैंने इस बंदे को बोला था कि जा, गाड़ी वाले ने बोला है कि मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, तुम रोड पे खड़े रहना। तो इस लड़के को भेजा, जा रोड पे खड़े रहियो। एक घोचू किया क्या, गाड़ी डायरेक्ट लेकर खेत में आ गया और मुझे 10 मिनट हो गया चलते चलते। अब आए तो गाइस देख सकते हो मेरा खेत है, ये मेरा खेत है मक्का। कल परसों इसको काट दिया जाएगा, कल परसों इसको काट दूंगा गाइस। और इधर का भी है। तो अभी आया हूँ यही देखने, क्योंकि शाम के टाइम चुराते हैं लोग, वही देखने आया हूँ गाइस। ज़्यादा समय देखूंगा, अब यहाँ पर देखभाल करूँगा, कम से कम 15 मिनट रुकूंगा गाइस। तो सोच रहा हूँ गाइस कि आगे से घूम के आऊँ, पोखरा से घूम के आऊँ। वो जो आप पोखरा देख रहे हो सामने, वहाँ पर जो झुंड सा दिख रहा है, जंगल जंगल सा, वहाँ जा रहा हूँ। जंगल ही जंगल है, यहाँ पर आया हूँ लोकेशन देखने, ताकि यहाँ कुछ बना सकूँ कल चिकन उकन। अगस्त 1947 को अंग्रेज से आजादी दिलवाई थी 30 जनवरी 1948 को, जब ये देखो जंगल है, सब पानी है ही नहीं बिल्कुल। पहले इसमें मच्छी छोड़ते थे, पानी उनी है नहीं, बारिश वरिश हो नहीं रही है। जैसे देख सकते हो आप कितना ज़्यादा जंगल है यहाँ पर। कोबरा एक दो होगा ही, एक दो नहीं ज़्यादा ही होगा गाइस। और इस पे ना तार पे जो है ना, तार का संख्या यहाँ ज़्यादा ही है। कुछ तार आपको दिख नहीं रहा, मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर लोकेशन सही है, आप देख सकते हो यहाँ साफ भी है। तो यहाँ कल हम मैगी बनाएंगे, यहाँ कल पिकनिक करूँगा गाइस। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहे, चैनल को यार एक दो सब्सक्राइब कर लो। आज बहुत ज़्यादा कपड़ा धोया गया है, ये देख सकते हो बहुत। और भी कपड़ा है क्या, मुझे भी धोना है, धोवा दूँ? अभी 2-3 कमर है। और इसमें भी है क्या सृष्टि? हाँ। इसमें धागा जा रहा है, वॉशिंग मशीन, देसी वॉशिंग मशीन। इनका हालत जो है कि खराब हो गया है गाइस, ये देखो। तो गाइस आप लोगों के एक रहस्य दिखाता हूँ, सुखारी जी का टैलेंट जो है ना, सुखारी जी का बहुत अच्छा टैलेंट है। देखो इनका जो नाक से नेटा निकलता है ना, ये बंद ही नहीं होता है 24 घंटा। इसका वती देख लो भाई गाइस, आपको क्या बोला गया था, क्या बोला था? तो ही है गाइस भूसा, इसको भरना है उस गाड़ी में। हाँ ये सब गाड़ी में रखना था। डाला खुल नहीं रहा है जितेंद्र जी से, तो डाला खोलना पड़ रहा है, देखते हैं मेरे से भी खुलता है कि नहीं। ऐसा हो गया और थोड़ा सा और रह गया उठाना, गाड़ी में इतना भरा हुआ है। जितेंद्र थक गए हैं उठा उठा कर, देखिए अंधेरा हो गया पूरा। दे दे दे। आधा रख दिला ना जितेंद्र, मस्त। तो गाइस मैं ठीक गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ अभी,
7:30 बज चुका है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, पूरा दूर दूर तक गांव नहीं दिख रही है और बीच में हम लोग हैं। और ये रही तार के पेड़, इसमें भी फल लगा नहीं गाइस, पर फल लगेगा तो मज़ा आएगा। ओ भाई ऐसे ऐसे गाड़ी कर रही है भाई, इधर उधर कर रही है क्योंकि दोनों साइड में उछखाल है ना, ईंट का रोड है, जैसे वैसे डोला पत्ती कर रही है गाड़ी। अब होने के नहीं कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखो कैसे कैसे हम जाएंगे घर, क्योंकि रोड नहीं है, रोड मालूम नहीं कि कब रोड निकलेगी। ओ भाई वो तेरी के देख तो गाइस गाड़ी कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। गाइस मैं जोगनी बाजार पे आ गया हूँ, ये है जोगनी बाजार, आज लगी नहीं है पर दुकान खुली हुई है। 8:30 बजे तक दुकान तो दिन याद आ गया, जब हम तिलक जाते थे तो ऐसे ही गाड़ी के ऊपर बैठ के जाते थे तो क्या खुली खुली हवा लगती थी, ताज़ी ताज़ी हवा, मज़ा आ जाता था गाइस। अब आ गए घर, आपको थोड़ा सा मस्जिद का झलक दिखा देता हूँ। उधर ना गाइस वो मस्जिद है, देख रहे हो ना आप, वो मस्जिद है। अब आ गए, मैं कहाँ पर बैठा हूँ इस पर, और ये सब भूसा है। गाइस आ गया हूँ घर, यहाँ पे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ऐसे करके भाई होगा ठंड, उतरना पड़ेगा मेरे को भी यहाँ पे लोग। तो गाइस आ गया हूँ घर, रामरस देख के बहुत हंस रहा है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे अब हटा रहे हैं लोग करछी भूसा गिराने के लिए। ये क्या ऐसे कर रहा है, ऐसे लग रहा है कीड़ा उड़ रहा है, लेकिन ऐसे कीड़ा है नहीं गाइस, धूल। तो गाइस ये देख लो कितना धूल मिट्टी उड़ रहा है, और 8 बजने को है और हम लोग, मैं और जितेंद्र अभी तक उतार ही रहे हैं, पसीना चल गया है। देखो गाइस हालत ख़राब हो गया यार भूसा उतारने में। हाँ क्या क्या हो रहा है, क्या बिछाना धो वाला है, मेहनत से है। हाँ नहीं देखा, नहीं देखा लात, पैर पैर पड़ गया तो। सब्जी बन रही है और रोटी, दोनों जाने बना रही हैं और हम लोग ने भूसा उतार लिया है, बहुत धूल मिट्टी अंदर चला गया नाक में गाइस, थक गया हूँ अब मैं। यही कर रहे हैं गाइस, देख सकते हो पूरा अंधेरा अंधेरा है क्योंकि लाइट गई है, आधा घंटा हो गया और इधर लाइट है। तो गाइस इधर लाइट इसलिए है क्योंकि इधर सोलर की है, छोटा सा सोलर है उसी का ये रोशनी है। देख सकते हो खाना पीना अभी तक बना नहीं, कब बनेगा खाना? हाँ तो क्या कर रहे हो, मार खाओगे? देखिए चाचू को अभी मारेंगे, सब आ रहे हो। कब खाना बनेगा, भूटा उठा आया है? कहाँ भूटा लिया करा क्लासर है, कहाँ नीचे। एक पार्टी को जवाब नहीं दे रहा, दूसरा पार्टी से पूछो। हाँ जी खाना कब बनेगा? गाइस एक तरफ से जवाब आ रहा है अभी बनेगा, हाँ इधर अच्छा ऐसे। तो अभी आलू को काटा जा रहा है, आलू को काटने में लग रहा है गाइस, टाइम लग जाएगा।